सवाल नंबर 48, लैलतुल कद्र में क्या दुआ करना चाहिए? अगर किसी को लगे कि लैलतुल कद्र आज है तो वो क्या करे? आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती हैं, कुल्तु या रसूलल्लाह अरअयता इन अलिमतु अय लैलतिन लैलतुल कद्र मा अक़ुलु फीहा। आप बताइए कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि आज की रात लैलतुल कद्र है तो मैं क्या कहूँ, क्या दुआ करूँ? قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني। तू ऐसे दुआ कर, اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني, अल्लाह तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, मुझको माफ कर दे, मुझको माफ कर दे। और हमारे बहुत इसमें हिकमत बताइएगा कि बहुत सारी दुआएं ये माफी की दुआ थी, और भी तो मांग सकता है कुछ, माफी की दुआ क्यों सिखा है? एक आदमी आखिरी अशरे में, लैलतुल कद्र कब होती है? आखिरी अशरे में, कौन सा महीना है? रमजान का महीना है, रोजेदार है और तरावी पढ़ रहा है और आखिरी अशरे में इबादत कर रहा है, तो इस इबादत से उसमें एक भरम पैदा हो जाता है, मैं तो बहुत इबादत कर रहा हूँ, मैं तो बहुत इबादत कर रहा हूँ, तो अपने एतबार से एक भरम उसमें पैदा हो सकता है। लिहाजा ऐसे वक्त में आदमी को चाहिए कि वो अल्लाह से माफी मांगे कि मेरी इबादत भी अगर कबूल होगी तो नजात है, अगर अल्लाह ताला मेरे गुनाह पे पकड़ ले तो इबादत करने के बावजूद पकड़ा जाऊंगा। समझ में आ रही बात? ताकि एक आदमी में अकड़ पैदा ना हो, और जागने लैलतुल कद्र है जिसमें इबादत वो कर रहा है, तो इबादत पर भरोसा करके अकड़ में ना आ जाए, बल्कि अल्लाह ताला से क्या मांगे, ए अल्लाह मुझको माफ कर दे। क्योंकि अगरचे मैं आज इबादत कर रहा हूँ, आज मैं इतनी मुजाहदा कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा, क्या कुछ नहीं कर रहा, रमजान के महीने में आखिरी अशरे में लैलतुल कद्र में, लेकिन ए अल्लाह मेरे गुनाह भी हैं, ए अल्लाह तू गुनाहों को माफ कर दे। वो अपने गुनाहों को ना भूले जब वो नेकी कर रहा है, उसमें अकड़ पैदा ना हो। اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني। ये तिर्मिज़ी, इब्न माजा और हाकिम की रिवायत है।